नीलम ये लो, लो एक पति की तरफ से अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए प्यारा सा तोहफा। ये पढ़ो, आज से तुम इस मकान की लीगल मालकिन हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एक पति अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी के कागजात गिफ्ट करता है, लेकिन पत्नी उन्हें लेने से मना कर देती है। वो यहां तक कह देती है कि उसे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या ये पति पत्नी में आमतौर पर होने वाली नोकझोंक का नतीजा था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? आपसी झगड़ों से बहुत बड़ी कोई वजह। अरे जल्दी कीजिए, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। आपकी सारी चीजें यहां रख दी हैं। अदिति जल्दी से रेडी हो जा। अदिति बेटा जल्दी दिखा। अनमोल अनमोल चल 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 बेटा जल्दी। लो बस भी आ गई। चलो 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 जाओ। बाय मॉम। बाय। जो पैसे भूल गए? अरे पापा को किसी कौन देगा? सॉरी पापा। ओके मस्ती मत करना स्कूल में। ओके बाय बाय बाय। चलो बाय बाय। संभाल के जाना। अरे एक पराठा और लाओ। नहीं नहीं चाय तो पी लो। बहुत देर हो रही है, मैं भी निकलता हूँ। और हाँ आते वक्त थोड़ा लेट हो जाऊंगा क्योंकि ऑफिस के बाद क्लाइंट से मिलना है। ओके अच्छा, लेकिन थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। पक्का। अरे तुम भी भूल गए? भूल गया? क्या भूल गया? वो जो बच्चों को सिखाया है। ओह सॉरी, रूल इज रूल। बाय बाय बाय। अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय बाय। हेलो पुष्कर, तू अब तक ऑफिस नहीं आया? आप अच्छा अब तक ऑफिस नहीं पहुंचे? ठीक है, जब ऑफिस आ जाए तो उनसे कहिएगा कि घर पे एक बार फोन कर ले। मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ। जी बिल्कुल। ओके आज बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ क्या करूं, मेरी दूसरी बीवी आना ही नहीं दे रही थी। तुम और तुम्हारी दूसरी बीवी तो ठीक है, जाओ रहो अब उसी के पास। तुम्हारी सौतन के साथ तो पूरा दिन गुजारता हूँ, इतना काम कराती है, उसके बाद रात को तो तुम्हारे पास आ ही सकता हूँ। क्यों? तुम और तुम्हारी नौकरी आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो, यहाँ पर आओ मेरे पास बैठो। ये क्या कर रहे हो? क्या कह रही थी तुम? मैं ये कह रही थी कि आज मैंने दिन में तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था तो पता चला कि तुम तब तक ऑफिस पहुंचे ही नहीं हो, रास्ते में कहीं देर हो गई थी। बोला ना तुम्हारी सौतन बहुत काम कराती है, एक नए क्लाइंट से मिलने भेज दिया इसलिए ऑफिस लेट पहुंचा मैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझ पर शक कर रही हो क्या? शक और तुम पर? मिस्टर 10 साल से जानती हूँ तुम्हें, नौकरी के अलावा कुछ और सोचता भी है तुम्हें? अच्छा बस अब चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा। नहीं नहीं खाना मत लगाओ क्योंकि मैंने शाम को ऑफिस में कुछ खा लिया था, अब बिल्कुल भूख नहीं है, बहुत थका हुआ सोऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। I'm sorry.
हाँ मैं हूँ, डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं तो शायद तुमने ये देखने के लिए फोन किया है कि मैं ऑफिस में हूँ या नहीं, है ना? यही समझ लो। अच्छा तुम्हारी पैंट की जेब से अभी मुझे एक बिल मिला है ग्रोसरी स्टोर का। किसका बिल है ये? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं मंगाया। हाँ वो मैं किसी और के साथ घर बसा रहा हूँ ना, तो सामान वगैरह तो चाहिए होगा। फिर से मजाक, बताओ ना प्लीज किसका बिल है ये? मुझे क्या पता, ऑफिस में से किसी का होगा, गलती से मेरी टेबल पे आ गया होगा और मैंने जेब में डाल दिया होगा। अब इसमें क्या गलती होगी? अरे लेकिन किसी और का बिल तुम्हारी पैंट में कैसे आ सकता है? नीलम मैं ऑफिस में हूँ, अगर तुम्हारी इंक्वायरी पूरी हो गई हो तो मैं काम कर लूँ। बाय। अरे लेकिन आज बड़ी देर लगाती वापस। हाँ मार्च एंड है ना, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। खाना लगाती हूँ? नहीं नहीं खाना मत लगाओ, मैं नहीं खाऊंगा, बहुत थक गया हूँ, सीधा सोऊंगा जाके। ओके गुड नाइट। हेलो, ऑफिस में काम का ओवरलोड है, आजाद नहीं आऊंगा। हाँ सॉरी आज भी नहीं आ पाऊंगा, कल सुबह तक फाइल रेडी करनी है कैसे भी। अरे लेकिन लेकिन कैसे आऊं, घर में इतना काम है, पुष्कर भी इतने बिजी हैं आजकल ऑफिस में कि पहले तो देर रात तक घर वापस आते भी थे लेकिन अब आजकल तो कभी कभी रात रात भर घर वापस नहीं आ पाते हैं। रात रात भर घर नहीं लौटता? अब तुम ही बताओ माँ, ऐसी हालत में कैसे घर पे आऊं? माँ दरवाजे पे कोई है, मैं आपको फोन करती हूँ बाद में। पुष्कर शर्मा का घर यही है जी? आप मुझे नहीं जानती लेकिन आपके पति मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। पुष्कर मेरा दामाद है। क्या पुष्कर आपका दामाद है? क्या बकवास कर रहे हैं आप, लगता है आप किसी गलत जगह आ गए हैं। मैं गलत हूँ या सही ये बात आप अपने पति से पूछ लेना, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि पुष्कर की पहली पत्नी को उसकी दूसरी शादी के बारे में पता भी है या नहीं। देखिए आप जो भी हैं लेकिन मेरे पति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए, आप प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए आप मेरे घर से। रुकिए ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा पता लिखा हुआ है, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो। मैंने आपसे कहा ना आप जाइए यहाँ से प्लीज। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मजाक करने के लिए उसे भी मैं ही मिली थी, और पता है जाते जाते अपना विजिटिंग कार्ड भी मुझे दे रहा था, मैंने तो ऐसा भगाया ना यहाँ से। वैसे सच ही कह रहा था वो, बल्कि मैं खुद ये बात तुम्हें कब से कहना चाह रहा हूँ कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। अच्छा? हाँ सच में। पुष्कर प्लीज मुझसे फालतू की बात मत करो। अरे क्यों, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते? क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा ना तुम ऐसा नहीं कर सकते बस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे ऑफिस में मुझे कोई लड़की बहुत पसंद आ गई हो जो तुम्हारे जैसी खूबसूरत ना हो ना ही पैसे वाली हो लेकिन बस मुझे पसंद आ गई हो और उसे सहारा देने के लिए मैं उससे शादी कर लूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ठीक है कर लो उससे शादी। शादी तो मैंने कर ली, बस प्रॉब्लम यही था कि तुम्हें कैसे बताऊं, सो तुम्हें भी पता चली गया। कीर्ति नाम है उसका, मेरे ही ऑफिस में काम करती है, पिछले एक साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और
एक महीने पहले हम दोनों ने शादी कर ली। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो ये तस्वीर देखो। देखो पुष्कर मेरा दामाद। मैं तो सिर्फ यहां ये देखने आया था कि पुष्कर की पहली पत्नी को उसकी दूसरी शादी के बारे में पता भी है या नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। पुष्कर, पुष्कर प्लीज प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है। तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे? नहीं नहीं नीलम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही सच है। मैंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन ये सब कुछ तुम कैसे कर सकते हो पुष्कर? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम नहीं कर सकते ऐसा। नीलम प्लीज प्लीज यार, ये ड्रामा बंद करो। इसीलिए तुम्हें ये बात बताने के लिए मैं हिचकिचा रहा था। तुम्हारा ड्रामा शुरू हो जाता है बस। चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सुबह जल्दी उठना। नहीं पुष्कर, तुम्हें मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। अभी जवाब दो मुझे प्लीज। प्लीज गुड नाइट। शादी तो मैंने कर ली, कीर्ति नाम है उसका। मैं चलता हूं। नीलम, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं कीर्ति से भी प्यार करता हूं, और मेरे लिए यही सच है। और अब तुम भी जितना जल्दी इस सच को अपना लो उतना ही अच्छा होगा। ये कैसा पति था जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, और उसे इस बात का ना कोई मलाल था ना कोई पश्चाताप, उल्टा वो बेफिक्र था कि उसने दूसरी शादी कर ली। क्या उसकी इस बेरुखी के पीछे कोई खास वजह थी? दूसरी तरफ वो पत्नी थी जो शायद कहीं अकेली बैठकर अपने नसीब को या खुद को कोस रही थी। ये सोच रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने तो हमेशा एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाया, हमेशा अपने पति और बच्चों से प्यार किया, उनकी देखभाल की, उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा। उसे तो गुमान था कि उनका एक सुखी परिवार है, तो फिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं 2-3 रोज घर नहीं आऊंगा, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। बाय। ये गलत है बेटा। क्यों, क्या गलत है इसमें? जैसे मैं नीलम से प्यार करता हूँ वैसे मैं कीर्ति से भी प्यार करता हूँ। प्यार सिर्फ एक से होता है बेटा, और तुम दोनों के साथ रहकर दोनों के ही साथ नाइंसाफी कर रहे हो। और नीलम सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, तुम्हारे बच्चों की माँ भी है, भरा पूरा परिवार है तुम्हारा, क्यों उसे तोड़ने पे तुले हुए हो? अरे घर कौन तोड़ रहा है, मैं आज भी नीलम के साथ ही तो रह रहा हूँ, घर का सारा खर्च उठाता हूँ, एक बाप एक पति होने के सारे फर्ज निभा रहा हूँ मैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक कीर्ति ही तो नहीं आई है घर में। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर नीलम को कोई प्रॉब्लम ना हो मैं तो कीर्ति को भी घर में ले आऊं, दोनों प्यार से रहेंगे बहनों की तरह, सब साथ में रहेंगे, कितना अच्छा रहेगा। इतनी घटिया बात तुम सोच भी कैसे सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। समाज से कोई मतलब नहीं है मुझे,
आपका समाज नहीं आता मुझे खाना खिलाने के लिए। अपनी मेहनत से कमाता हूं, मेरे जो दिल में आएगा वो करूंगा मैं। हेलो मैडम, आप घर चले? तुम अभी तक घर लौटी नहीं? देखो नीलम, जो भी है ना, हम लोग यहां पर आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर आ रही हो कि नहीं? इसके लिए हूं। ऐसा अक्सर होता है, एक औरत में इतनी हिम्मत और सहनशीलता होती है कि वो बेइंतहा दुख सहने के बाद भी अपने पति की गलती को माफ करके उसका साथ निभाने की कोशिश करती है। यही नीलम ने भी किया। उसने बेशक पुष्कर को माफ तो नहीं किया, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसकी इस कोशिश से पुष्कर को अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन क्या नीलम का सोचना सही था? क्या वो फिर से पुष्कर को हासिल कर पाएगी? सुनो, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर बैठकर बात करेंगे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें जो बात करनी थी वो तुम मां से कर चुके हो। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं जब तुम समझ ही चुकी हो। बाकी किसी और चीज की जरूरत है तो वो भी बता दो। मुझे उस लड़की से मिलना है। तुम्हें लगता है तुमने जो किया है वो सही किया है? मगर मैंने किया क्या? पुष्कर मुझे पसंद करता है, तो उसमें मेरी गलती क्या है? मेरे पति ने तो गलती की ही है, लेकिन तुम उसका साथ देकर उससे भी बड़ी गलती कर रही हो। मगर पुष्कर और मुझे तो नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और वैसे भी प्यार में किसका जोर चलता है? ये प्यार नहीं, तुम्हारा पागलपन है। तुमने एक ऐसे आदमी को अपना पति माना है जिसने अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया है। जो आज मेरे साथ हुआ है ना, वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मगर मैं तुम जैसी नहीं हूं। अगर मैं किसी को हासिल करना जानती हूं ना, तो उसको अपने साथ बांध कर रखना भी जानती हूं। हो सकता है कि मुझ में कमी हो, लेकिन एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल अंत में पुष्कर मेरे पास ही आएगा। अगर ऐसा होता ना, तो पुष्कर आज भी तुम्हारे साथ ही होता। लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, आप अपनी बेटी को समझाइए, अपने साथ साथ मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करें। मैंने कोशिश की थी, लेकिन पापा, मैं पुष्कर से प्यार करती हूँ। ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, ऐसे नहीं मानूंगी। आओ मेरे साथ। पापा, प्लीज पापा। यहाँ तक गुस्से में मजबूर होकर मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन कीर्ति नहीं मानी। उसने पुष्कर को फोन कर दिया और पुष्कर ने पुलिस को। पुष्कर, पुष्कर, मुझे लेके चलो। ये देखिए। जब अपनी बेटी हाथ से निकल जाए तो कोई क्या कर सकता है। अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के बावजूद नीलम ने कीर्ति से बात करने की कोशिश की, उसके पिता से भी मदद मांगी, लेकिन कीर्ति और पुष्कर किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उल्टा वो अपने नाजायज संबंध को बिल्कुल सही ठहरा रहे थे। कीर्ति से मिलकर नीलम जान चुकी थी कि कीर्ति और पुष्कर अलग नहीं होने वाले, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे वो क्या करे। मैं जा रहा हूं, अब से वहीं रहूंगा। खर्चे के लिए पैसे भेजता रहूंगा मैं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। हाँ तुम्हें ना सही, लेकिन बच्चों को तो चाहिए। कहा ना, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों को खुद ही पाल सकती हूँ। ठीक है, तूने उसे रोका क्यों नहीं?
जाने क्यों दिया? तो और क्या करती माँ, मैं ही गलत थी जो मैंने उससे दोबारा निभाने की सोची। तो फिर तू क्या करेगी बेटा, बच्चों को कैसे संभालेगी? और अगर तू उससे पैसे नहीं लेगी तो घर कैसे चलेगा तेरा? कुछ भी करूंगी माँ, मैं नौकरी करूंगी, किसी के घर काम करूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, लेकिन जिस आदमी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मैं उसके साथ समझौता कभी नहीं करूंगी। उसके पैसे नहीं चाहिए मुझे। पर बेटा, उसके पैसों पर तेरा हक बनता है, शादी की है उसने तुझसे। पर निभाई कहां? बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ने मुझे बिना बताए दूसरी शादी कर ली, मैं चुप रही, लेकिन अब वो दूसरी औरत मेरे बच्चों पर अपना हक जताए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ प्लीज कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए मैं समझ गया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपके हस्बैंड से बात करता हूँ फिर देखता हूँ, ठीक है? मिस्टर पुष्कर शर्मा। नीलम ये लो। लो, एक पति की तरफ से अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए प्यारा सा तोहफा। ये पढ़ो, आज से तुम इस मकान की लीगल मालकिन हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और मैं जानती हूं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, ताकि मैं पुलिस के पास ना जाऊं। देखो नीलम, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों आपस में प्यार से ये मामला सुलझा लें, वरना ऐसे चिल्लाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। तुम क्या समझते हो, एक औरत सिर्फ घर और पैसों के लिए शादी करती है? अगर ऐसा होता ना तो गरीब आदमी से कोई शादी नहीं करता। लेकिन ये तुम क्या समझोगे, जो 10 साल में भी शादी का मतलब नहीं समझ पाया वो अब क्या समझेगा? अब तुम्हें ये सब कुछ पुलिस ही समझाएगी। अरे तुम्हारी ये पुलिस या कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? तुम तुमसे जो बन पड़ता है कर लेना, देख लूंगा मैं भी। आखिरकार नीलम ने पुष्कर के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर ही दी। हमारे कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत जुर्माना भरने के साथ साथ 7 से 10 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है। तो क्या पुष्कर इस कानून के बारे में नहीं जानता था? आश्चर्य की बात यह है कि पुष्कर इस कानून के बारे में अच्छी तरह से जानता था, इसके बावजूद उस पर इसका कोई असर नहीं था, उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर चुका था जिसकी नीलम ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। और अब ये राज खुलने वाला था, पुष्कर की ही जुबानी एक चौंकाने वाला खुलासा होने वाला था। तो आप ये मानते हैं कि आपने इनसे दूसरी शादी की? जी हाँ। तो आप ये भी जानते होंगे कि हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी के साथ शादी करना गैरकानूनी? जी हाँ पता है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि अब मेरा नाम पुष्कर शर्मा नहीं बल्कि मोहम्मद कमाल खान है। मैं बहुत पहले ही अपना धर्म बदल चुका हूं। ये रहा उसका प्रूफ, और इस धर्म के मुताबिक मैं एक से ज्यादा शादियां कर सकता हूं, और इसे आपका कानून भी गैर कानूनी नहीं ठहरा सकता।
अगर ऐसा है तो इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग जा सकते। शुक्रिया, खुदा हाफिज। चलो फातिमा। अब मेरा नाम पुष्कर शर्मा नहीं बल्कि मोहम्मद कमाल खान। मैं बहुत पहले ही अपना धर्म बदल चुका हूं और इस धर्म के मुताबिक मैं एक से ज्यादा शादियां कर सकता हूं। मोहम्मद कमाल खान है। मैं बहुत पहले ही अपना धर्म बदल चुका हूं और इस धर्म के मुताबिक मैं एक से ज्यादा शादियां कर सकता हूं और इस धर्म के मुताबिक मैं एक से ज्यादा शादियां कर सकता हूं। कहा था ना मैंने कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोला था मैंने, समझाया था तुम कि जो हो गया उसे अपना लो और प्यार से रहो दोनों बहनों की तरह। लेकिन नहीं, अब पता चलेगा तुम्हें कि मर्द के बिना एक औरत की औकात क्या होती है। कुछ नहीं। चलो। पुष्कर ने जो किया क्या वो सही था? क्या कोई ऐसा कर सकता है कि जब जी चाहा अपना धर्म बदला और दूसरी शादी कर ले? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। मामला धर्म का था इसलिए पुलिस ने भी इसमें दखलअंदाजी करना ठीक नहीं समझा। लेकिन नीलम हार मानने वालों में से नहीं थी। नीलम की जगह अगर कोई और होता तो शायद इसे अपना नसीब समझकर हालात से समझौता कर लेता। लेकिन नीलम इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश शुरू की ताकि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सके और अपने पति के खिलाफ पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ सके। कि मर्द के बिना एक औरत की औकात क्या होती है? कुछ भी नहीं। कैसी हो तुम? मैंने सुना है नौकरी वोकरी कर रही हो। कितना कमा लेती? अब क्या लेने आए हो तुम यहां? बस ऐसे ही अपने बच्चों से मिलने की इच्छा हुई सो चला आया। तुम्हारा अब मेरे बच्चों पर कोई हक नहीं है। अच्छा, क्यों? मेरे भी बच्चे हैं वो। मैं जब चाहूं उनसे मिल सकता हूं और अगर मैं चाहूं ना तो उन्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूं। समझे? तुम मेरे बच्चों को कहीं नहीं ले जा सकते और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगी। समझे? तुम निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा यहां कभी मत आना। मेरे बच्चों से मिलना तो दूर, तुम्हें उनकी शक्ल तक नहीं देखने दूंगी मैं। कौन रोकेगा मुझे? मैं आज अभी इसी वक्त अपने बेटे को यहां से लेकर जा रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया है। मेरे बच्चों पर अब उनका कोई हक नहीं है। हालांकि आपके पति ने बड़ी चालाकी से अपना धर्म बदल लिया है इसलिए आपका ये केस थोड़ा पेचीदा हो गया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे। हमारे कानून के मुताबिक अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसे गैरकानूनी माना जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुष्कर के धर्म परिवर्तन के बाद क्या ये कानून उस पर लागू किया जा सकता था?
ये केस अपने आप में बेहद अनोखा और उलझा हुआ था। अब देखना था कि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए और अपनी जगह पर बैठिए। अदालत को अपना फैसला सुनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लिहाजा ये फैसला अगले महीने की 15 तारीख को सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। ये मामला इतना पेचीदा था कि अदालत के लिए भी फौरन फैसला सुनाना मुश्किल था। एक तरफ नीलम को अपने पति की चालाकी साबित करनी थी, दूसरी तरफ इस बात का ख्याल भी रखना था कि पुष्कर उसके बच्चों को उससे अलग ना कर पाए। और फिर आया फैसले का दिन। इस केस में काफी गौर करने के बाद अदालत का मानना है कि मिस्टर पुष्कर शर्मा उस मोहम्मद कमाल खान ने अपना धर्म बदलने के बाद दूसरी शादी की है, जिसके तहत ऐसा कोई कानून नहीं है कि इनकी दूसरी शादी को गैर कानूनी माना जाए। लिहाजा ये अदालत मिस्टर कमाल खान को बाइज्जत बरी करती है। निचली अदालत का फैसला नीलम के हक में नहीं आया। अजीब बात थी, पुष्कर ने अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की थी, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गैर कानूनी है, लेकिन उसके धर्म बदल लेने की वजह से अब उसे कानूनन गलत ठहराना मुश्किल था। लेकिन तब भी नीलम ने हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी लड़ाई जारी रखी। लोअर कोर्ट के इस फैसले को हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि अब आपका ये केस कुछ ज्यादा पेचीदा हो गया है, इसलिए कह नहीं सकते कि क्या नतीजा निकले। अंजाम की परवाह करूंगी तो केस लड़ूंगी कैसे? आप हाई कोर्ट में अर्जी दीजिए। नीलम ने पूरी उम्मीद के साथ हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन हाई कोर्ट का भी इस मामले में क्या फैसला होगा ये कह पाना बेहद मुश्किल था। इस दौरान एक साल बीत गया। हाई कोर्ट में कई बार इस केस की सुनवाई हुई और आखिरकार हाई कोर्ट के फैसले का दिन आ ही गया। हाई कोर्ट के इस फैसले ने नीलम को एक बार फिर से दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन नीलम की नजरों में पुष्कर अब भी गुनहगार था और उसने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। जहां तक धर्म बदलने का सवाल है, इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी शायद ही कुछ कर पाए। अगर हम किसी तरह ये साबित कर दें कि पुष्कर ने सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए धर्म बदला है, तो क्या हम उसे गुनहगार साबित कर सकते हैं? पर कैसे? नीलम जानती थी कि इस केस की जटिलता एक बार फिर से उसके आड़े आ सकती है, लिहाजा उसने खुद इस केस को बारीकी से समझने की कोशिश की और इसके लिए उसने जो किया वो वाकई उसकी मेहनत और लगन का प्रतीक है। पुष्कर ने जो किया था उसके खिलाफ कोई मौजूदा कानून ना होने के बावजूद नीलम ने इंसाफ की आस नहीं छोड़ी। उसने अपनी लड़ाई अपना संघर्ष जारी रखा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इस बार वो केस हार गई तो एक ना एक दिन पुष्कर उसके बच्चों को भी उससे अलग कर देगा और ये उसे हरगिज मंजूर नहीं था। लिहाजा वो दिन भर काम करती, घर की और बच्चों की देखभाल करती और रात भर जाग कर खुद को इस केस के लिए तैयार करती। और फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। आपका नाम? जी मोहम्मद कमाल खान। और आपका नाम? जी बेगम फातिमा खान। नीलम जी, आपके पति ने अपना धर्म बदला, ये बात आपको कब पता चली? जी 3 साल पहले, जुलाई 1992 में। यह है धर्म बदलने का सर्टिफिकेट। योर ऑनर, इसके मुताबिक मेरे क्लाइंट के पति ने 4 जनवरी 1992 को अपना धर्म बदला, यानी कि मेरे क्लाइंट को पता होने से पूरे 6 महीने पहले। जज साहब, इसका मतलब यह होता है कि मिस्टर पुष्कर शर्मा उर्फ मोहम्मद कमाल खान ने यह बात अपनी पत्नी से पूरे 6 महीने छिपा कर रखी। अब हमें यह बताइए
कि आपने अपनी पत्नी से ये बात छुपाई क्यों? जी नहीं, मैंने छुपाया नहीं है। मैं तो उसे बताने का मौका ढूंढ रहा था। वाह, अब 6 महीने में आपको सही मौका मिला ही नहीं। कमाल है, कमाल है मोहम्मद कमाल खान जी। अच्छा एक बात बताइए, आपने अपनी पत्नी को उसका धर्म बदलने को क्यों नहीं कहा? मुझे लगा कि मैं उसे क्यों कहूं, उसे मजबूर क्यों करूं? आपने अपना धर्म क्यों बदला? जी मुझे विश्वास है इस धर्म पर, मैं दिल से मानता हूं। क्या बात है, दिल से मानते हैं। मिस्टर मनमोहन दास, आप पिछले 5 सालों से पुष्कर शर्मा उर्फ मोहम्मद कमाल खान के ऑफिस में काम करते हैं। वहां इन्हें किस नाम से जानते हैं सब लोग? जी पुष्कर शर्मा के नाम से जानते हैं इन्हें। ऑफिस रिकॉर्ड में भी इनका नाम पुष्कर शर्मा ही है, बैंक और पीपीएफ में भी। योर ऑनर, इसके अलावा इनकी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी पुष्कर शर्मा के नाम से। मैं चाहूंगा कि इन पेपर्स पर भी आप एक नजर डालिए। मिस्टर पुष्कर शर्मा, सॉरी माफ करना, मिस्टर मोहम्मद कमाल खान जी, आप कोर्ट को यह बताने की कोशिश कीजिए कि आप दिन में नमाज कितनी बार पढ़ते हैं। जी मैं चलिए कोई बात नहीं, अब आप हमें यह बताइए कि शादी को लेकर आपके धर्म में क्या कहा गया है? यही कि आदमी चाहे तो एक से ज्यादा शादियां कर सकता है। कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहली पत्नी की सहमति होना जरूरी है और सभी पत्नियों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मेरे पति ने, उन्होंने दूसरी शादी करते वक्त मुझे बताया तक नहीं और साथ ही अपने नए धर्म का कभी पालन नहीं किया। योर ऑनर, इन सभी बातों से यह साबित होता है कि मिस्टर मोहम्मद कमाल खान उर्फ पुष्कर शर्मा बेगम फातिमा खान उर्फ कीर्ति सहाय ने सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। इन्होंने ना अपने पत्नी और बच्चों को सिर्फ धोखा दिया बल्कि धर्म की मान्यताओं का भी गलत फायदा उठाया है। आज इन्होंने जो चालाकी की है, इनकी देखा देखी और भी लोग करेंगे, फिर क्या मायने रह जाएंगे शादी जैसे पवित्र रिश्ते के और धर्म के। That's all, Your Honor. इसमें कोई शक नहीं है कि मिस्टर पुष्कर शर्मा ने दूसरी शादी करने के लिए ही अपना धर्म बदला। अदालत ने पुष्कर को दोषी मानते हुए उसे अपनी पत्नी को धोखा देने और गलत इरादे से धर्म परिवर्तन करने के जुर्म में 7 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उसकी दूसरी शादी को रद्द कर दिया और उसे अपनी पत्नी नीलम को मासिक भत्ता देने का आदेश भी दिया। पुष्कर की दूसरी पत्नी कीर्ति को अदालत से कोई भी मुआवजा नहीं मिल पाया क्योंकि अदालत की नजरों में वो खुद एक गुनाहगार थी। इस केस की जटिलता को देखते हुए, ताकि फिर से कोई धर्म की आड़ में अपने परिवार और अपनी पत्नी के साथ इस तरह का धोखा ना कर सके, अपराध ना कर सके, और ये सब कुछ संभव हुआ सिर्फ नीलम की हिम्मत और उसके हौसले की वजह से। आज नीलम हमारे लिए एक मिसाल है क्योंकि उसी की वजह से हमारे देश में पत्नियों के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए ये कानून बना। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही सच्ची बेमिसाल कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान